भारतमाला सड़क परियोजना सीमा क्षेत्र के लिए वरदान साबित होने वाली है। देश के दूर दराज के हिस्सों को जोड़ने वाली यह सड़क रोजगार ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा तो देगी ही, साथ ही आर्थिक क्षेत्र में भी नए अवसर प्रदान करेगी। भारतमाला सड़क का निर्माण हमारे क्षेत्र में भी शुरू हो गया है। जिला श्री गंगानगर में जगह जगह निर्माण चल रहा है। गजसिंहपुर में बन रहे बाईपास पर तेज गति से काम चल रहा है। इसे जानेंगे, उससे पहले आइए जानिए भारतमाला सड़क परियोजना क्या है। देश में आर्थिक गलियारों यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर, दूसरे देश की सीमा से सटे इलाकों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के इरादे के साथ केंद्र सरकार ने साल 2017 में भारतमाला प्रोजेक्ट या भारतमाला परियोजना के नाम से हाईवे राजमार्ग के विकास की एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की है। भारतमाला भारत में बड़ी एवं छोटी सड़कों तथा हाईवे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक परियोजना है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने देश भर में एक मजबूत हाई स्पीड रोड नेटवर्क बनाने की योजना बनाई है। गुजरात और राजस्थान से शुरू होकर पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम तक फैली यह परियोजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिल के करीब है, जिसमें भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमने कनेक्टिविटी की दो बड़ी योजनाएं शुरू की थी, एक भारतमाला, दूसरी सागरमाला। भारतमाला के तहत देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को बेहतरीन और चौड़े हाईवे से जोड़ा जा रहा है। सागरमाला से अपने सागर तटों की कनेक्टिविटी को सशक्त किया जा रहा है। बीते 8 वर्षों में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बॉर्डर कनेक्टिविटी का भी अभूतपूर्व विस्तार हमने किया है। 2014 के बाद से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने करीब करीब 7,000 जम्मू से कांडला तक बनने वाली भारतमाला प्रोजेक्ट में श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर व जैसलमेर सरहदी जिलों को शामिल किया गया है। इसके तहत चारों जिलों में उच्च गुणवत्ता की 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। यह सड़क बनने के बाद लड़ाकू विमान भी युद्ध एवं आपदा की परिस्थितियों में उतर सकेंगे। अकेले श्री गंगानगर जिले की बात करें तो यहां 256 किलोमीटर सड़क बनेगी और जिस पर 650 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च होना प्रस्तावित है। श्री गंगानगर में ही इसके तहत 4 नए बाईपास बनाए जाएंगे। भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 65,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। अब बताते हैं कि भारतमाला रोड और अन्य नेशनल हाईवे में क्या फर्क है। भारतमाला रोड 10 मीटर चौड़ी होगी, जबकि नेशनल हाईवे 7 मीटर चौड़े होते हैं। भारतमाला रोड की स्ट्रेंथ 50 सेंटीमीटर और कई जगह इससे भी ज़्यादा मजबूत होगी, जबकि नेशनल हाईवे 20 सेंटीमीटर स्ट्रेंथ के ही होते हैं। नेशनल हाईवे की न्यूनतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि भारतमाला रोड की 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस रोड की मजबूती इतनी अधिक होगी कि युद्ध या आपदा की स्थिति में फाइटर प्लेन भी उतारे जा सकते हैं। कर यह भी है कि यह रोड साधु वाली राज्य सीमा में प्रवेश के साथ ही शुरू होगी, जो रेलवे फाटक के पास श्री करणपुर रोड पर मिलेगी। इसके बाद श्री करणपुर, गजसिंहपुर, रायसायनगर, अनूपगढ़, घड़साना, रोजड़ी, छत्रगढ़, सत्तासर फांटे से 682 आरडी होकर बीकानेर जिले में ये रोड प्रवेश करेगी। इस भारतमाला सड़क परियोजना पर कई बाईपास व ओवरब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे बाहरी वाहनों को आने जाने में कोई बाधा न हो। इसी के तहत श्री करणपुर रायसनगर मार्ग के बीच में पड़ने वाले गजसिंहपुर में भी
बाईपास और ओवरब्रिज का निर्माण तेज गति से हो रहा है। रायसेनगर रोड से 39BB के सामने इस बाईपास को इंटर किया गया है और ये बाईपास गांव 37BB के पास से होते हुए लोहारा मार्ग के ऊपर दोबारा कर्णपुर रोड से जुड़ेगा। गर्सिंहपुर में ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है जिसके तहत एक पुल का निर्माण किया गया है। अब यहां पुल को उतरने के लिए दोनों साइड में इस बाईपास पर दोनों साइड में दीवारें खड़ी करके उसके अंदर मिट्टी भराव का कार्य तेजी से चल रहा है। सड़क से श्री कर्णपुर को जोड़ने वाले इस बाईपास में अभी जहां पुल का निर्माण किया गया है वहीं गांव लोहारा की ओर यानी श्री कर्णपुर रोड की तरफ तेज गति से कार्य चल रहा है। ये देखते हैं